अरे पर 12 बजे रात में कौन सा काम पड़ गया तुझे? काम पड़ा तभी तो बुला। अच्छा मुस्कान का बर्थडे है? ओहो मुस्कान का बड़ा फिगर है। तो तुम्हारा बर्थडे है? अबे तू थोड़ा सा बहन का। अच्छा तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। चुप साले, अगर आगे से गलती से भी कुछ बोला ना तो केक का तो पता नहीं, पर तेरा मर्डर जरूर कर दूंगा। अरे पर रॉडी भाई इतनी रात को क्या हो गया? क्या हो गया? अबे यार बहुत इम्पोर्टेंट काम है भाई, तुम लोग सब ऑनलाइन आओ जल्दी। आ गया, सब रेडी हो ना? हाँ वीडियो बनाओगे क्या रॉडी भाई? अरे चल तो आ जाओ सब, आ जाओ, एक नंबर दो नंबर, आ जाओ जो लाइन पे लगो, सब लाइन पे लाइन पे। मुझे तो लग रहा है रॉडी भाई यूट्यूब शॉर्ट बना रहा। हाँ मुझे भी वही लग रहा। अच्छे से इधर 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 सीधा सीधा, परफेक्ट परफेक्ट, सब रेडी? यस। लेकिन यार ये तो बरमुडा का सबसे खतरनाक जगह है, कोई भी प्रो प्लेयर आके काम तमाम कर सकता है हमारा, तो कहीं और चलो। अबे यार। हाँ ये जगह बिल्कुल सेफ है, लाइन पे सीधा लग जा सीधा, रेडी? हाँ। लेकिन यार यहाँ तो ब्लू जोन है, कोई बंदा कहीं से भी उड़ के आ सकता है, कहीं और कहीं और। अच्छा अच्छा, ये हुई ना बात, एक नंबर जगह भाई, लाइन पे लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, रेडी? लेकिन यार ये तो ग्रैंड मास्टर वालों की जगह है, कहीं से भी उठ-पुट के आके मुक्के से मार के चलाएगा। आ जाओ। अरे कितना दौड़ाएगा ये? रुको। अब क्या हो गया? अब क्या जमीन के अंदर जाने का प्लान ही है? यार बंदे बहुत कम लग रहे हैं, काम करो सबको बुला लो। हाय हाय क्या ही तो लग रहा है, एक नंबर बिल्कुल ब्यूटीफुल नजारा। रॉडी भाई मेरी राय मानो। बिल्कुल चुप, लाइन पे लग। अरे मैं तो बस। सब रेडी? हां। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे Q&A वीडियो में। अरे रुक क्यों गया, आगे तो बोल। नहीं आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही करना था। बहन के सुअर सिर्फ ये बोलने के लिए इतना दौड़ाया? भग चले भग। तो गाइस यहीं से करते हैं Q&A स्टार्ट, और सवाल पूछने के लिए मैंने बुला लिया हमारे टीम का सबसे मेहनती बंदा विशाल। यार मैं आज तक इनके तरह मेहनती बंदा देखा ही नहीं हूँ, जो अपने काम में इतना खो जाता है, दिन तो क्या रात में भी नहीं सोता है। मतलब विशाल तुम कैसे कर लेते हो इतना? अबे वो आराम कर, वीडियो बन रहा है वीडियो। अबे इतनी रात को कौन वीडियो बनाता है यार, क्या मस्त सो रहा था, सपना देख रहा था। अबे वो ड्रीम बॉय सवाल पूछ। पहला सवाल है पंडित वाइटी की तरफ से। हाँ राउडी भाई का कितना बड़ा है? अबे बहन के अंदर नींद में है क्या? राउडी भाई का कितना बड़ा? नहीं राउडी भाई कितना बड़ा ये पूछा है। सॉरी मेरा मतलब राउडी भाई कितना बड़ा है। तो गाइस मैं 1 महीने पहले 19 साल का हो चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है आपके टूथपेस्ट में नमक है? अबे यार जिसको देखो जब देखो जहाँ देखो यही सवाल, साले बरस को किचन बना रखा है। नहीं आज तो इस बात का पक्का कर ही देते हैं। रुको ये देखो बिल्कुल नया है, पूरे 10 रुपए पर है, बस ये निकाल दिया। अब देखो ये देखो पूरा देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नहीं है नमक। अगर आगे से ऐसा सवाल पूछा ना तो ये टूथपेस्ट का फेरन लवली बना के मुंह में चिपका देंगे। अगला सवाल है एंजॉय गेमिंग की तरफ से। बोल आपका रियल नेम। तो भाई लोग मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राउडी बुलाओ, और मैं अपना रियल नेम नहीं बताऊंगा, ऐसा क्यों ये मैं आगे बताऊंगा। आप राउडी बुलाओ और हम सभी से प्यार से बहन कर। भाई रहने दे, प्यार व्यार बाद में करेंगे, अभी पूछ। आपके फैमिली के बारे में कुछ बताओ। तो देखो गाइस नहीं सुन भी सकते हो, मेरे फैमिली में मम्मी पापा है, एक बहन जो मेरे से 1.5 साल की छोटी है, और एक भाई जो सबसे छोटा है, मतलब तीनों भाई बहन में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आप कहाँ से हो? मैं बिहार के पटना में हूँ अभी फिलहाल 1 साल से, लेकिन मेरा जो घर है वो है बिहार के किशनगंज में, मतलब उसके आसपास ही है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना चाहता घर का। तो मैं अभी फिलहाल स्टडी के लिए पटना में रह रहा हूँ विदाउट फैमिली। आप कौन सी क्लास तक स्टडी की हो? वेल आई हैव डूइंग स्टडी इन 3 इयर्स। लेसुन प्याज इज रीडिंग इन अमेरिका 1947, और माय स्कूल नेम इज अल मुंबई अल भेंडल अमूल कुल। अबे स्कूल है कि किराना दुकान? मजाक से हटके गाइस मैं अभी क्लास 12 में हूँ CBSE बोर्ड से, और तो और मैंने साइंस ले रखा है। बाय द वे पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। आपकी जी अपने ये बाद में। और लास्ट चिंटू को गेम कब सिखाओगे? उसकी दीदी परेशान है। अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, चिंटू को इतना टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, इतना दूंगा अकेले 4-4 स्टार को देख लेगा ऑब्जर्व में रह के। अगला सवाल है आपका कौन है? अरे पर क्या कौन है? अरे वो जो सबके होते हैं ना। क्या सेटिंग? अरे नहीं आपका इंस्पेक्टर है? आपकी इन अच्छा इंस्पिरेशन। हाँ, वही साले लीचड़ गवाड़। वैसे मेरा इंस्पिरेशन है वो क्या नाम है उसका, हेलो राउडी इंस्पिरेशन है मेरा, एक नंबर खेलता है, कल ही हराया रा स्टार को 1v1 में। ये नहीं बताओगे फेक रा स्टार था 34 लेवल का? विशाल मेरे भाई तुझे तो नींद आ रहा था ना, जाओ सो जाओ। यार गाइस अब तो चला गया तो अब क्या करूं। हाँ अपने दोस्त को बुलाता हूँ, बिल्कुल भाई जैसा दोस्त है, बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरे पे जान छिड़कता है जान। आजा मेरे भाई आजा। आ गया राउडी, तुम यहाँ हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ मेरे पैसे कब दोगे? अब तू हटी जा यार, ले लियो बाद में। यार भाई साहब कैसा हरामी बंदा है, 5 साल हो गया उधारी लिए हुए लेकिन आज तक याद रखा है। अबे भूलता क्यों नहीं है तू? छोड़ो गाइस सवाल पढ़ते हैं। YouTube के बारे कैसे सोचा, YouTube का जर्नी बताओ। तो यार 2019 से ही मुझे यूट्यूबर बनने का मन था। हाँ बस मनी था ना, थंबनेल बनाने आता था ना वीडियो, फिर मैंने बनाया चैनल। भाई साहब 2 महीने में एक सरावा गेम प्ले अपलोड करता था बस, और वीडियो इतना बकवास होता था कि गलती से भी वायरल न जाए। पूरे 2.5 साल तक सिर्फ 11 ही वीडियो डाला। 2020 के टाइम मुझे यूट्यूब से तो कोई प्यार नहीं था, लेकिन गेम से बहुत प्यार था, और
तब भी है, पर दुख तो यहाँ हुई जब मुझे घर में गेम खेलना मना कर दिया। मेरे घर में मुझे अगर किसी ने भी ऐसे फोन पकड़ते हुए देख लेता था, समझ जाता था मैं गेम ही खेल रहा हूँ। और जब भी मैं गेम खेलते पकड़ा जाता, क्या बताऊँ, दो दिन तक मोबाइल वापस नहीं मिलता था। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता था। फिर मैंने सोचा अगर घर में गेम खेलना है तो यूट्यूबर तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ठहरा आलसी इंसान, क्यों करे यूट्यूब पे मेहनत, अब चोरी छुपे गेम खेलेंगे हम। लेकिन कुछ महीने बाद अगस्त 2021 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, बोले तो ब्रेकअप, समझ गए ना, थी कोई दोस्त अचानक से चली गई। आज तक का सबसे बुरा वक्त था ये होने के बाद मैं टूट सा गया था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। छोड़ो इसके बारे में फिर कभी करेंगे बात। अब मुझे दो रीजंस मिल चुका था, पहला अगर घर में गेम खेलना है तो यूट्यूबर तो बनना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी दिखाना था कि गेमिंग में बहुत कुछ हो सकता है, और दूसरा वही ब्रेकअप दिमाग में चलते रहता था 2 घंटा 4 घंटा लगातार ओवरथिंकिंग। तो बस खुद को बिजी रखने के लिए कर दिया यूट्यूब स्टार्ट। और हाँ, वो बुरा वक्त तब बुरा लगता था, अभी नहीं लगता बुरा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद ये नहीं होता। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? अरे घर में किसी को पता होगा तो ही करेंगे ना, मैंने बताया ही नहीं घर में यूट्यूब के बारे। आपकी एज बता दिया, आपकी एजुकेशन बता दिया, आपको सक्सेस कैसे मिला? सक्सेस, अरे भाई अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है। क्या ये आपकी रियल वॉइस है? जी हाँ, ये मेरी बिल्कुल असली वॉइस है। और हाँ, हमसे बातें करनी है तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना। अगला सवाल है कांग्रेचुलेशन। अरे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है वो भी 9 बार। अरे लव यू भाई, थैंक यू। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे गलत स्पेलिंग मत लिखा करो यार। आगे से मत पूछना है सब। भाई आपको इतने अच्छे फनी वीडियोस की आइडियाज कैसे मिलती है, और आपको एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? देखो यार, आइडियाज हर जगह मिलते हैं, गेम खेलते खेलते कुछ फनी हो जाए, कभी कोई दोस्त ने थोड़ा सा बता दिया, वो कभी बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो या फिल्मों से भी मिल जाती है। तो मेरा काम रहता है उस थोड़े आइडियाज से मुझे जोड लेवल कंटेंट बनाना। तो अक्सर मैं कंटेंट रात के 1-2 बजे छत में जाके सोचता हूँ, भाई साहब दिमाग का दाल जाता है, कसम से बहुत जोर डालना पड़ता है दिमाग में। फिर धीरे धीरे एक एक लाइन दिमाग में आने लगता है, मतलब कि कब क्या बोलना है। उसके बाद मैं फटाफट से रूम में आकर के हगना लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि भूलू ना। ये देखो मेरे सारे वीडियोस के स्क्रिप्ट भाई 1, 2, 3 सारा फुल है। तो टाइम बोले तो एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में 1 घंटा तो लग जाता है। और हाँ, जितने अकेले रहोगे उतनी क्रिएटिव आइडियाज आएगी। आप मुस्कान से कितना मुस्कान, ओहो तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वैसे आपको बता दूँ, मुस्कान कुछ ही देर में आने वाली है Q&A के लिए। मुस्कान मुस्कान, हाय हाय, उसकी आवाज, उसकी बातें, आ गई आ गई। ओए हेलो मुस्कान, मैं आप ही का तारीफ कर रहा था, बिल्कुल परी जैसी। वीडियो बना रहे हो क्या? अबे साले, मैं कौन करना जरूरी था क्या? मैसेज नहीं कर सकते, भागे से भाग। अगला सवाल पढ़ते हैं। आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सी गर्ल्स हैं। हाँ तो UID ना दूंगा मैं किसी की। इसमें से आपके पर्सनल कौन है, यानी आपके GF? अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, मेरे लिस्ट की सभी लड़कियाँ मेरी GF है, सब मेरे से प्यार करती है, जान छिड़कती है मेरे पे। ये देखो अभी बुलाता हूँ, लव यू लव यू बोलेगी सब। आ गया आ गया। हाय रावड़ी भाई, क्या हुआ? भैया मैं गेम खेलने जा रही थी यार। रावड़ी भाई मैं बात में आती हूँ। गाइस बुरा सपना समझ के भूल जाओ, और लकड़ियों सुनो अब भी मौका है। अरे मुस्कान आ गई, मुस्कान मेरी जान। वो नकली हो तो मैसेज करियो, माइक नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है नुकसान, I mean मुस्कान, सवाल पूछो सवाल। आप कौन सा माइक यूज करते हो? मैं तो यूज करता हूँ कंडीशनर माइक मोनो AU-A03। वीडियो किस ऐप से एडिटिंग करते हो? पावर डायरेक्टर। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? देखो गाइस, मैं तो एडिटिंग में अपना पूरा जान लगा देता हूँ, एक एक चीज, एक एक म्यूजिक, एक एक साउंड इफेक्ट बहुत ध्यान से एडिट करता हूँ। 50 सेकंड का वीडियो एडिटिंग करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। सबसे बुरा टाइम आपके लाइफ का? वही ब्रेकअप वाली, और एक जब 13K वाला। नहीं यार, ये इतना भी बुरा नहीं था। आप पहले कॉमेडियन थे क्या जो इतना हंसाते हो? ना ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस मैं 6-7 महीने से कर रहा हूँ। वैसे मुस्कान यार, ये सब तो होते रहे। मैं कुछ पूछूं? हाँ। आपका फेवरेट मैप? बरमूडा। आप बरमूडा में कहाँ लैंड करना पसंद करते हो? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, पानी में पीक में उतरते हैं हमेशा। फेवरेट गन? AWM और M2B। आपके पास कौन सा फोन है? ये है। वैसे गाइस मेरे पास है सैमसंग का A21s। फेवरेट सॉन्ग? लक्ष्य, बहुत बढ़िया गाना है लक्ष्य मूवी का। जब मेरे व्यूज नहीं आते थे और वीडियो बनाने का मन नहीं करता था ना, तो ये गाना मैं दिन भर सुनते रहता था, जिसके वजह से मेरे अंदर जोश आती थी, फिर लग जाता था वीडियो बनाने। यार मुस्कान ये सब तो होता रहेगा, कस्टम वस्टम, लेकिन जो मेरी दिल की बात, इसकी माँ का कस्टम सुनते ही भाग गई काजल चोर। अब तो बस एक ही इंसान रह गया जो मेरे से सवाल पूछ सकता है, तो वेलकम करते हैं सबके प्यारे आंखों के कचरे छपरी रिपोर्टर का। स्वागत तो करो हमारा। और रिपोर्टर भाई क्या हाल है? ओ माय गॉड, आप क्यों पूछ रहे हो मेरा हाल? फिर तो जरूर इसके पीछे होगा कोई चाल। आखिर आप डर क्यों गए? आखिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? पब्लिक को जवाब चाहिए। अबे ओ जले हुए लाल मिर्च, सवाल पूछ। भाई क्या तूने कभी शराब पी है? अबे हटा, गलती से भी नहीं, मैंने तो आज तक एक सिगरेट भी टच नहीं किया। नहीं किया, टच किया। हुआ था एक बार, गए थे किसी की शादी में, तो मेरी मम्मी का बेटे का पापा का, पापा का 3 किलोमीटर वाले दोस्त के बेटे का दादा ने मंगवाया था मेरे हाथों दुकान से, लेकिन आज तक मैंने कभी। अरे निकलो इधर से, निकलो जल्दी। आपका पहला चैनल छोड़ने का कारण क्या था? तो गाइस बहुत से लोगों को आप
अबे कौन है बे? साले वीडियो तो बनाने दे। गाइस आप में से बहुत कम लोगों को पता है ये मेरा दूसरा चैनल है। ये था मेरा पहला चैनल जिसको मैंने अब बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया था कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ। उनका कहना था ये सब मत टाइम बर्बाद मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के वो चैनल बंद किया और ये स्टार्ट किया। और यही रीजन है मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी होते हैं अच्छा। अबे अबे बहन का टक्का कौन है भाई? रॉडी भाई अभी बिल्कुल सेफ है। सवाल पूछ भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड कितने और आपका हरामी वाला फ्रेंड कौन है? यार अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं रॉडी भाई मैं आपके तरह वीडियोस कैसे बनाऊं। वीडियो बनाने के लिए किसी दोस्त को बुलाता हूं तो कोई भाग जाता है, कोई बात नहीं सुनता। तो मेरी बात सुनो, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत कम आएगी और आपको दोस्ती बनाए रखना भी आना चाहिए। बात रही बेस्ट फ्रेंड की, यार देखो मेरे तो सारे बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छे वाले। हां वही लोग जिनको आप मेरी वीडियोस में बराबर देखते हो। जब मेरा 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ था ना, तब भी वो लोग मेरा साथ था, मेरा हेल्प करता था वीडियो बनाने में, अपना गेम छोड़ के कस्टम छोड़ के। सो यार बहुत बहुत लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और बात रही हरामी दोस्त की, यार देखो हरामी को इसकी माँ का, इनके तरह हरामी कोई है ही नहीं। ये देखो बहन के अंदर को बोला था बस दो बार डैमेज देना, लेकिन इन्हें तो करना ओवर एक्टिंग। इधर गया, इधर इधर भाग रहा। अबे भाग कहाँ रहा? अबे काली गाय की हरी गोबर।